गया के इमामगंज में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कन्हैया कुमार के काफिले पर हुए हमले पर कहा, यहाँ तो आरएसएस के कैंडर ने हमला किया है, तो क्या वो भी आतंकी है। बिहार शरीफ में सीए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन में मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी फौजिया राना हुई शामिल, इसे बताया एक काला कानून। गया के इमामगंज में सीए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने सभा को किया संबोधित, कन्हैया ने पीएम पर साधा निशाना। पश्चिम चंपारण के बगहा में बाल विकास परियोजना के तहत आंगनवाड़ी सेविकाओं का 3 दिवसीय कैश मोबाइल प्रशिक्षण आयोजित, आईसीडीएस द्वारा कराया गया आयोजन। अरवल में दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मियों ने सरकार के निर्देश के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर निकाला जुलूस, मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री का फूका पुतला। पश्चिम चंपारण के बगहा प्रखंड में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित, एसडीएम ने जन वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। गया में धर्म संस्कृति संगम संगोष्ठी का आयोजन, वक्ताओं ने कहा कुछ राजनीतिक दल केंद्र सरकार और उसकी नीतियों का कर रहे हैं दुष्प्रचार। नवादा जिले के रोहित कुमार के साथ फर्जी कॉल पर की गई ठगी, बैंक खाते से निकाले गए 42,000 रुपए, ठगी करने वाले ने खुद को कृषि विभाग का कर्मचारी बताया। बिहार शरीफ के बिहार थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास दिन दहाड़े शिक्षक के घर लूटपाट, अपराधियों ने घर वालों को बंधक बना जेवरात समेत 1,00,000 रुपए की डकैती। नवादा जिले के कौवाकोल थाना क्षेत्र के मंदिरा गांव में 40 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, पड़ोसियों का आरोप घरेलू झंझटों से परेशान थी महिला। बिहार शरीफ के मुख्य डाकघर में एक युवक ने बल्ब बदलने की बात पर किया बवाल, मेन गेट के शीशे को तोड़ा, पुलिस के आने के बाद मामला संभला। नवादा जिले में उत्पादन विभाग के विभिन्न जगहों से 24 घंटे के अंदर कई शराबियों को किया गया गिरफ्तार, विभिन्न शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त।